हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोयाबीन मोमोज की रेसिपी। सोयाबीन मोमोज बिल्कुल स्टेट स्टाइल में, वो भी घर पर बहुत ही आसान तरीके से, और साथ ही मैं इसके साथ शेयर करूंगी इसके साथ खाई जाने वाली लाल तीखी चटनी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको इसकी रेसिपी बताने वाली हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा घर पर ही मोमोज बनाओगे, बाहर से लाना बिल्कुल भूल ही जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो देर ना करते हुए चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक भगोना। भगोने में हम ऐड करेंगे पानी। पानी को हमें गर्म कर लेना है। मैं यहाँ पर ये वाले सोयाबीन यूज कर रही हूँ, ये मार्केट में आता है, इसको सोयाबीन का चूरा बोला जाता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यही यूज करें, इजी रहेगा आपके लिए मोमोज बनाना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मोटे वाले सोयाबीन भी यूज कर सकते हैं। अब जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमें पानी में बहुत अच्छे से बॉयल लाना है। और यहाँ आप देख सकते हो पानी में बॉयल आने लगा है। अब भगोने को नीचे उतार लेंगे और साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमें लेना है एक बॉल। बॉल में हम ऐड करेंगे सोयाबीन का चूरा। यहाँ मैं डेढ़ कटोरी सोयाबीन का चूरा ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। पानी हमें इतना ऐड करना है कि हमारे सोयाबीन अच्छे से उसमें भीग जाएं। बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा घुल जाएंगे। बस इतना ही पानी हमें इसमें ऐड करना है कि ये अच्छे से भीग जाएं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सोयाबीन बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इनको अब हम ढक्कन लगाकर साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अभी आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं सोयाबीन को भीगे हुए। काफी अच्छे से ये फूल भी गए हैं और एकदम ड्राई हो गए हैं। बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है। अगर आपके सोयाबीन में पानी है तो आप उसको निचोड़ भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिए एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और साथ ही ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। यहाँ मैंने 2 प्याज और 2 शिमला मिर्च यूज किए हैं। दोनों ही सब्जियों को मैंने बारीक बारीक काट कर यहाँ पर ऐड कर लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा बस हमें इनको सोटे करना है। तो अब यहाँ पर हमारे जो शिमला मिर्च और प्याज हैं हल्के से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। अब पत्ता गोभी को भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सोटे कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर वेजीज बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। पर ये सब्जियाँ डालने से हमारे मोमोज और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पत्ता गोभी थी वो भी अच्छे से सोटे हो गई है। अब हम ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई गाजर, और जो हमने सोयाबीन भिगा कर रखे थे वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सोयाबीन का चूरा नहीं है तो आप मोटे वाली जो गोल सोयाबीन आती है वो भी यूज कर सकते हैं। उसको भिगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए, और उसके बाद उसका सारा पानी निचोड़कर आप उसको ग्राइंडिंग जार में पीस लीजिए। तो जब आप उसको ग्राइंडिंग जार में पीसोगे तो इस तरह का ही टेक्सचर आपको मिल जाएगा। सारी सब्जियों को अब हमें अच्छे से फ्राई करना है लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ हमारी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम साइड में रख देंगे। अभी हमने कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया है, ठंडा होने के बाद ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए रख देते हैं इसको साइड में ठंडा होने के लिए, और कर लेते हैं आगे की तैयारियाँ। मोमोज के लिए हमें एक आटा लगा लेना है। उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कटोरी भरकर मैदा। साथ ही ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, और नमक के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे का जो डो है वो हमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगाना है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगाना है। आटा लगाने के बाद हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो फ्रेंड्स, बाजार के मोमोज जो कि बहुत महंगे मिलते हैं और हाइजीनिक भी नहीं होता है उनको खाना, क्योंकि पता नहीं वो किस तरह से बनाते हैं और स्टफिंग कैसे यूज करते हैं। इस तरह से आसानी से और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आप घर में मोमोज बनाइए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बातों ही हमारा आटा भी बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर। यहाँ हमारी स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मैं यहाँ पर आधी स्टफिंग यूज कर रही हूँ, आधी स्टफिंग मैंने रख दी है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, उसी के साथ ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप भी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, पर अगर चटपटा बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च को जरूर ऐड करें। और अब ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, और साथ ही ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच ही कद्दूकस किया हुआ लहसुन। आप चाहे तो इनको बारीक पीस कर भी ऐड कर सकते हैं।
और अब ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन। आप चाहे तो इसकी जगह हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं बारीक काट कर। और अब हमें सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, सब्जियों को ठंडा करने के बाद ही उसमें नमक ऐड करें। भुनती हुई सब्जियों में नमक ऐड ना करें, नहीं तो वो पानी छोड़ देती हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। इसको रख देते हैं साइड में। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार हम नीट कर लेंगे। अब हमें आटे की छोटी छोटी सी लोई काट लेनी है। मोमोज का साइज बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। जितना भी छोटा या बड़ा आप बनाना चाहें उसके हिसाब से आप इसकी लोई काट सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी लोई काट रही हूँ। मैंने आटे को इस तरह से लंबा लंबा कर लिया था। अब इसकी छोटी छोटी लोई कट कर लेंगे। इससे लोई एक समान कटेंगे। तो अब हम इस तरह से कट करने के बाद इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी लोई इस तरह से बनाकर अब हम इसको ढककर रख देंगे और एक लोई लेंगे, उसको हमें बेल लेना है। हमें छोटी छोटी जैसे हम पूड़ियां बनाते हैं ना, उस तरह से हमें इनको बेल लेना है। आप चाहे तो हल्का मैदा लगाकर भी इनको बेल सकते हैं, उससे इजीली ये बेल जाएंगी। लोई को बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच जितनी भी स्टफिंग आती है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और इस तरह से हम उसको सील कर देंगे। पहले बीच से इसको चिपका देंगे और फिर हम ये साइड वाले जो पार्ट होता है ना, इसको भी हम बीच से पकड़कर इस तरह से चिपका देंगे। बहुत ही आसान शेप है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। अभी मैं आपको और भी शेप्स बनाकर दिखाने वाली हूँ। बहुत ही आसान शेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने मोमोज के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर से हम एक पूड़ी बेल लेंगे, उसके ऊपर हम इस तरह से स्टफिंग को रख लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग को इस तरह से ऐड करेंगे। और अब हम इसको इस तरह से बीच से पकड़कर आधे पार्ट को हम चिपका देंगे और बाकी के बचे आधे पार्ट को हम बीच से उठाकर चिपकाएंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें मोमोज को बना लेना है। आधे पार्ट को मैंने चिपका दिया है और बाकी के बचे आधे पार्ट को हम बीच से उठाकर बाकी के 2 साइड्स से भी चिपका देंगे। और इस तरह से हमें इसको भी अच्छे से सील कर देना है। ये हमारी दूसरी शेप भी बनकर हो गई है तैयार। फिर से हमने एक पूड़ी के ऊपर डाल दी है स्टफिंग और अब हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे, जैसे कि हम स्टफिंग बनाते स्टफ पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से हमें इसको कवर कर देना है। और लास्ट में हमें इसको अच्छे से चारों तरफ से चिपका देना है। यहाँ हमारी तीसरी शेप भी मोमोज की बनकर हो गई है तैयार। आपको जो भी पसंद हो आप इनमें से वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मोमोज को इस तरह से बनाकर कर लिया है तैयार। मोमोज बनाने के बाद आप इनको ढककर रख सकते हैं। और अब चलिए कर लेते हैं इनको स्टीम। स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पर स्टीमर का यूज कर रही हूँ। स्टीमर को हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो आप उसकी जगह छन्नी भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम मोमोज को इसमें ऐड कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। और सभी स्टीमर को हम इसी तरह से फिल कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आने लगा है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें मोमोज को स्टीम होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम प्रोसेस आप भगोने और छलनी के साथ भी कर सकते हैं। नीचे भगोने में गर्म पानी होने के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर छलनी लगाकर उसको कवर करके भी स्टीम कर सकते हैं मोमोज को। उनको भी आपको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देना है। और यहाँ पर देखिए आप, बहुत अच्छे से हमारे मोमोज स्टीम हो गए हैं। आप देख सकते हैं मोमोज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। यही पहचान होती है अच्छे से स्टीम होने की। अब मोमोज को हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको इसके साथ खाई जाने वाली तीखी चटनी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए एक भगोने में हम पानी ऐड करेंगे 1 कप। और अब हम उसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लाल मिर्चें। और उसी के साथ जब हमारा पानी थोड़ा सा उबलने लगेगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर यूज किए हैं। टमाटर को हमें रफली काट लेना है और अब दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इनको पकाना है, जब तक कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से मैश नहीं होने लग जाते। यहाँ मिर्च और टमाटर को पकते हुए हो गए हैं लगभग 4 से 5 मिनट। अभी मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया है बंद और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इनको ठंडा कर लेते हैं। जब टमाटर और मिर्च अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इनका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। तो ग्राइंडिंग जार में मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसी के साथ हम ऐड करेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ और इनको हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को बहुत अच्छे से पीस लिया है। इस तरह से इसकी एक प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का, जिससे हमारी चटनी का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तड़का लगाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन। पैन में हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं जो आप खाते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन। तो यहाँ पर मैंने बारीक काट कर एक चम्मच लहसुन इसमें ऐड कर दी है। और लहसुन को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है, मतलब हमें ब्राउन नहीं करना है लहसुन को, बस हल्का सा ही हम लहसुन को पका लेंगे। जब लहसुन हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें अपनी प्योरी ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर की बनाकर रखी थी। और अब टमाटर की प्योरी को हम अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। और अब ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच ही सिरका। अगर आपकी मिर्च बहुत ज्यादा तीखी वाली आपने चटनी में यूज की है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। और अब सारे सॉसेस के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी चटनी को। तो अब हमें इसको 4 से 5 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम पर पका लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकते हुए। आप देख सकते हैं चटनी हमारी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं मोमोज के साथ। तो फ्रेंड्स आज की आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।